हेयर स्टाइल बनाकर स्कूल जाती। उसको छोटे बालों में हेयर बैंड ही लगाने और खरीदने का शौक था। एक बार घर के बाहर गली में एक फेरी बाला आया, जिसके पास तरह तरह की चूड़ियां, कंगन, कान की बालियां, रंग बिरंगे रिबन और ना जाने क्या क्या सामान भरा हुआ था। उसने जैसे ही कंगन ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, फंस गई और बोली, माँ, मैं तुमसे कभी कुछ भी नहीं मांगती सिवाय हेयर बैंड के। रिया, मैंने पहले भी मना किया था ना, क्या करोगे इतने हेयर बैंड लेकर? रिया ठुनकते हुई बोली, माँ, वो फेरी वाला चला जाएगा, जल्दी पैसे दो ना, 50 रुपया ही तो चाहिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जाओ मेरी पर्स में से ले लो, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, ये सब कूड़ा करकट बटोरना बंद करो। रिया भागते हुए बाहर गई तो फेरी वाला नुक्कड़ के पास जा पहुंचा था। वो नुक्कड़ पर पहुंचकर बोली, भैया हेयर बैंड दिखा दो। वो बोला, बेटा आज तो आपके लायक हेयर बैंड नहीं है। उसने सारा सामान उलट पुलट कर देख लिया, पर हेयर बैंड कहीं नहीं दिखाई पड़ा। अचानक उसकी नजर किसी चमकीली चीज पर पड़ी तो उसने उसे निकाल कर देखा। वहां एक बहुत ही खूबसूरत सा सुनहरा हेयर बैंड पड़ा था, जिस पर एक सुंदर सी परी बनी थी। वो बोली, मिल गया, यही तो मुझे चाहिए था। इसका कितना दाम है? दाम तो 70 रुपए है। इसे ये हेयर बैंड लगाया, जादू ही हो गया। उसकी माँ आश्चर्य से उसके बालों को छू छू कर देखने लगी कि कहीं रिया मजाक तो नहीं कर रही है। लेकिन उसके घने रेशमी बाल बहुत ही खूबसूरती से लहरा रहे थे। दोनों माँ बेटी पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी माँ ने कहा, अच्छा दे जरा मैं भी लगा कर देखूं तो सही, क्या सच लहराने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रिया भाग कर गई तो उसके पापा खड़े थे। रिया जाकर पापा से लिपट गई और बोली, पापा पापा मेरे बाल देखो कितने लंबे हो गए। उसके पापा भी उसके घने और लंबे बालों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कितनी बार तो उन्होंने उसकी फरमाइश पर तरह तरह के तेल और दवाएं खुद उसको लाकर दी थी। आज अचानक कैसे उसके बाल इतने घने और लंबे हो गए? तब तक उसकी माँ भी अपने लंबे बालों को लहराती हुई आ गई। उसके पापा बोले, अरे ये सब कैसे हुआ, कोई मुझे भी बताएगा। तब रिया ने पापा को सारी बातें बताई। उन्होंने रिया को छेड़ने के लिए कहा, अच्छा कल फिर से फेरी वाला आएगा और कहेगा इस हेयर बैंड की कीमत तो 1000 रुपए थी, उसने गलती से दे दिया था। रिया ठुनकते हुए बोली, नहीं पापा ऐसा नहीं हो सकता। उस रात रिया को नींद ही नहीं आ रही थी। जब बहुत देर के बाद उसे नींद आई तो उसने सपना देखा कि जो परी उस हेयर बैंड पर बनी थी वो आई और बोली, रिया तुमको लंबे बालों की बहुत इच्छा थी ना, अब तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई। अब तो ये हेयर बैंड तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अब तुम ये हेयर बैंड उन लड़कियों को दे दो जो अपने छोटे बालों से बहुत परेशान है। बस किसी की सहायता करते समय कभी घमंड नहीं करना कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। रिया की आंख खुल गई। उसने सोचा परी तो ठीक ही कह रही थी। सुबह उठते ही जब वो स्कूल गई तो उसकी सहेलियों ने उसके इतने लंबे और घने बाल देखकर बहुत प्रशंसा की। वो अपनी सहेली मधु को एक कोने में ले गई और उससे बोली, तुझे भी तो लंबे बालों का बहुत शौक है ना, चल आंखें बंद कर मैं तेरे बाल भी लंबे कर देती हूँ। मधु ने झट उसकी बात मानकर आंखें बंद कर ली और रिया ने उसको हेयर बैंड लगा दिया। मधु के बाल भी लंबे हो गए। अब तो रिया को बड़ी खुशी हुई कि उसकी सहेलियों में उसकी नाक ऊंची हो जाएगी। उसे थोड़ा थोड़ा घमंड भी होने लगा।
क्योंकि जब नीरा और जिनत ने उसे अपने बाल लंबे करने को कहा तो वो बोली, आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। बेटा, जरूरतमंदों की सहायता करने में कभी घमंड नहीं होना चाहिए। जिससे हम लंबे बालों के लिए तरस रहे थे, वैसे ही बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस हेयर बैंड की जरूरत होगी। तुम निस्वार्थ भाव से सबकी सहायता करो। परी ने शायद तुम्हें ही इस काम के योग्य समझा है, तभी तो ये हेयर बैंड तुमको दिया है। रिया की समझ में आ गया था, माँ बाप समझ में आ गया था कि असली खुशी दूसरों को खुशी देने से ही मिलती है। जादुई हेयर बैंड ने उस
बल्कि जरूर कोई जादुई टोकरी है। सीता ने जिस व्यक्ति से उधार पर सब्जियां ली थी उसके सारे पैसे वो लौटा देती है। सीता रोज उस जादुई टोकरी से सब्जियां मंगवाती और रोज बेचा करती थी। सीता को अब बाजार से सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ती थी, इसीलिए सीता को बहुत बचत होती थी। धीरे धीरे सब्जियां बेच बेच कर सीता बहुत अमीर हो गई। उसने सब्जी मंडी में कई दुकानें खरीद ली। सीता इतनी अमीर हो गई कि उसने एक बहुत बड़ा सा घर भी खरीद लिया। वो अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में दान भी किया करती थी। एक दिन वो गरीबों को कपड़े दान कर रही थी। एक एक करके लोग उसके पास आते और कपड़े ले जाते। अचानक उसके पास गीता कपड़े लेने आई। उसने गीता को पहचान लिया। सीता गीता को अपने साथ अपने बड़े से घर में ले गई। गीता ने सीता से पूछा, क्या ये तुम्हारा घर है? सीता ने कहा, हाँ ये घर मैंने खरीदा है। इसके अलावा मैंने सब्जी मंडी में बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें भी खरीदे हैं। सीता ने कहा, मगर तुमको क्या हो गया है? तुम भिखारिन कैसे बन गई? ये सुनकर गीता को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। गीता ने कहा, सीता तुम मुझको माफ कर दो। थोड़े पैसों की लालच में तुम्हारी टोकरी मैंने ही चुराई थी। मेरी ऐसी हालत मेरी करनी का ही फल मिला है मुझको कि मैं भिखारिन बन गई। सीता को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, मगर सीता गीता को माफ कर देती है और अपनी दोस्त गीता को कुछ पैसे देकर उसके मदद करती है। इसीलिए कहते हैं, हम बड़े तभी कहलाते हैं जब हम दूसरों की गलतियों को माफ कर दे और आगे बढ़े।